तुम पढ़ते दफा दो बार हाथ इधर मारते हो, दो बार हाथ इधर मारते हो, ठीक है, यूं हिलाते हुए बाल चलते हो, ठीक है, मस्त। फिर तुम्हारा वास्ता पड़ा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी पे कि क्या चाहिए, अब हम करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी, जो भी जॉब मिल जाए मेहनत करेंगे। फिर तुम सीजीएल की तैयारी में लग गए, फिर तुम सीजीएल की तैयारी में लग गए। अब सीजीएल की तैयारी में लगे तो पता चला यार दूर से ही जंगल हरा भरा दिखाई देता है। दूर से ही जंगल हरा भरा दिखाई देता है, बच्चा यूपीएससी में लग जाता है, सीजीएल में लग जाता है, तैयारी में लगता है, तो फिर आके पता चलता है यार ये तो जंगल दूर से ही हरा भरा था। भाई साहब बहुत टेंशन है, बहुत पढ़ाई लग रही है, सारा सिलेबस पढ़ लिया, अब भी अंदर से लग रहा है कुछ खाली है, और पढ़ डाल और पढ़ डाल। फिर और किताबें पढ़ ली, कहता यार अब भी कुछ बचा है, कहता और किताबें, फिर कहता दया फिर से कुछ गड़बड़ है, और पढ़ ले यार। वो पढ़ते पढ़ते वो टेंशन, वो बर्डन और वो पढ़ाई, ओहो। तो जैसे जैसे ये टेंशन बढ़ने लगी, अगला फेज आपका ये आ गया, अगला चेहरा हो गया ये। हाँ देखो थोड़ी सी मुस्कुराहट कम है, ठीक है, इसी वजह से थोड़े से बालों में भी कमी है बच्चे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी कमी आ गई, देख रहे हो। फिर यार एक साल होने को आया, फिर आपने एक पेपर दिया, फिर आपने बोला यस मैंने बहुत अच्छा किया, और आपके 70% मार्क्स आ गए, आपने बोला यस तेरे भाई ने आग लगा दी पेपर में। फिर पता चला तेरा भाई आग लगा के आया था, हाँ बाकी तूफान उठा के आए थे। तो तूफान वालों के 80-90% 90% प्लस आ रहे हैं, हाँ तो तूफान सेलेक्ट हो गए। भाई का तूफान छोटा तूफान था, भाई आग लगा के आया, कोई फायदा नहीं हुआ यार आग लगाने का। फिर भाई को थोड़ी सी और टेंशन बढ़ गई, इसका मतलब यार, फिर से इसने वही बात बोली यार दूसरे ही दूर से ही जंगल हरा भरा दिख रहा था, जैसे ही जंगल में आया पता चला यहाँ भेड़िए भी हैं और शेर भी हैं, यार हम जैसी बकरी का क्या होगा। फिर बकरी ने कोशिश की, नहीं भाई अब मैं भी आग के साथ साथ तूफान भी लगा के आऊंगा पेपर में, और मैं और पढ़ूंगा। फिर उसने और मेहनत की, और मेहनत की, और वो मेहनत करते करते मेहनत करते करते स्माइल थोड़ी सी थकावट में बदल गई, कोई गम नहीं कोई शिकवे नहीं, और बाल बाल यार क्यारिया बननी स्टार्ट होगी, क्यारिया समझ रहे हो, साइड से क्यारिया बननी स्टार्ट हो गई यार, साइड से क्यारिया बननी स्टार्ट हो गई, बाल जा रहे हैं कहीं, बाल कहीं जा रहे हैं। आपने बोला यार कहां जा रहे हो भाई रुक जाओ, उन्होंने बोला नहीं यार तूफान आया था। हाँ तूफान ले गया, अब वो क्यारिया बन चुकी है, मैदान बिल्कुल साफ है, अब ना कटिंग कराने का शौक रहा, ना जेल लगा के भाई साहब स्पाइक्स बनाने का शौक रहा, वो शौक मिट गए, सरकारी नौकरी की तैयारी में क्यारिया बनी, बाल उड़ गए। और हम सोच रहे हैं पता नहीं शायद पानी सूट नहीं कर रहा है मुखर्जी नगर का, या आजकल हमारे गांव का पानी हमें सूट नहीं कर रहा है, हमारे शहर का, ठीक है, पानी सूट नहीं कर रहा, हम ये सोच रहे हैं भाई, अंत ये है। आपने बोला सर बड़ा सैड सा अंत दिया है आपने, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर वाकई में यार इतनी मेहनत अगर दिखाएगा तो वाकई में पेपर में तूफान भी आया, पेपर में आग भी लगी, और अगली बार सिलेक्शन भाई का हुआ। जब वो कंधे पे स्टार आए ना यार, और यूं जब तुमने उन स्टारों को देखा, अरे फिर से हरियाली आई रे, फिर से वो बाल यूं ही है, ठा ठा ठा, फिर से वो बाल यूं ही है, ठीक है, और गजब के हैं भाई साहब, बिखरे हुए क्या बात है, खुशी में झूमते हुए बाल फिर से वापसी आए, चेहरे पे फिर से स्माइल आई यार, देख रहे हो लड़के को, और फिर से वही खुशहाल जिंदगी वापसी, अब होंगे वो सपने पूरे। हम कहते हैं सर इन राज क्या है बालों का, मेरे बच्चे याद रखना राज सिर्फ और सिर्फ एक है हर चीज का, हेल्थ भी तुम्हारी खराब होती गई बट फिर अच्छी हो गई, तुम्हारा मूड भी खराब होता गया बट फिर अच्छा होगा, तुमने जिंदगी बर्बाद की कुछ साल बट फिर आबाद हुई, लोगों ने सो ताने मारे बट वो लोग सर फिर तुम्हारे सामने सर भी झुका गए, सो तरह के ताने मारे तुम्हें, वो रिश्तेदार जो तुमसे पूछा करते थे अबे कब निकालेगा, आजकल पता चला है वो घर से ही नहीं निकल रहे कमबख्त इस डर में कहीं भाई ना आ जाए यार, ये
परख है। सो बेटा याद रखना, चेहरे की स्माइल ही इस शरीर को संभालती है और इस स्माइल को आपकी जिंदगी संभालती है। तो लोग कहते हैं जिंदगी मुस्कुरा के जियो, मैंने बोला कहना आसान है मेरे दोस्त, करना मुश्किल है। जिंदगी मुस्कुरा के जीने के लिए ये दौर से गुजरना है, तो गुजर जाओ इस दौर से। और प्लीज प्लीज जब तक ये चेहरा खुद को दिखाने लायक ना हो, तब तक इस चेहरे के बारे में मत सोचो। आईना उसे दिन देखना मेरे दोस्त, आईना उसे दिन देखना जिस दिन मां बाप की आंखों में तुम्हें अपनी सूरत दिखाई दे और मां बाप तुम्हें गौर से देखते हुए कहें कि हां हमारे बच्चे ने अपना सपना, हमारा सपना पूरा करके दिखाया। तो याद रखना, नजरों में भी चेहरे दिखाई देते हैं। अगर गर्व से कोई तुम्हारी तरफ देख रहा हो,